गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। स्टूडेंट, ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर है जो कि 25 फरवरी 2024 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास जो है वो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। और जो हमारे डेली क्लासेज होती है इसमें रात के 8 बजे होती है, लेकिन आज क्लास जो है वो लेट हो गया है, तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए स्टूडेंट, जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है स्टूडेंट, जो कि क्लासेज हमारी 8 बजे होती है, किसी कारणवश आज लेट हो गया है, तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। जल्दी से क्लास में जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज की जो क्लास का पहला प्रश्न है, जो कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है स्टूडेंट, कि निम्नलिखित में से USHD की फुल फॉर्म क्या होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ USHD। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ में लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलना है स्टूडेंट, ठीक है। तो जिन बच्चों का एग्जाम है, जिन बच्चों का एग्जाम रह गया है और एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास के लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जो एक क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप आज की एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन हैं वो बच्चों ने सेंड किया था, उसी क्वेश्चन को कलर करके इस क्लास में हमने शामिल किया है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है, या जो बच्चे जुड़े हुए हैं आप क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो बताना आपको कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से USHD की फुल फॉर्म क्या होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ USHD। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलना है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है स्टूडेंट, वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अनरिस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर अगर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तो बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से की लॉगर से क्या आशय है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेंट बाय की लॉगर। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो स्टूडेंट आप सभी ने अगर तैयारी किया है तो आप सभी को आज की क्लास में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है और बिल्कुल राइट ऑप्शन देना है स्टूडेंट। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर जो बी है स्टूडेंट वो करेक्ट आंसर है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तो बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम। बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सिम मतलब स्टूडेंट जो मोबाइल में हम सिम यूज करते हैं, तो उस सिम का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। बताइए आप सभी, सभी लोग मोबाइल यूज करते होंगे और मोबाइल में जो हम सिम यूज करते हैं तो उस सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, ठीक है स्टूडेंट। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल होता है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तो बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ATM के पासवर्ड किसको बता सकते हैं। टू होम एमॉन्ग द फ्लोइंग कैन द ATM पासवर्ड बी डिस्क्लोज। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, किसी को भी नहीं बताया जा सकता है स्टूडेंट, क्योंकि जो आपका ATM का पासवर्ड होता है वो प्राइवेसी पासवर्ड होता है। अगर आप किसी पासवर्ड को बता देते हैं तो हो सकता है कि आपका जो ATM जिससे बना हुआ है अकाउंट से, वो अकाउंट आपका खाली हो जाए। तो इसीलिए आपका जो भी पासवर्ड है वो प्राइवेसी पासवर्ड होता है, तो किसी को बताना नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से ई संजीवनी किससे संबंधित है। ई संजीवनी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टेली मेडिसन। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी तबीयत खराब होता है या किसी कारणवश आपको किसी तरीके की परेशानी होती है, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लागू किया है जो कि इन संजीवनी है। इन संजीवनी पे आप ऑनलाइन डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं और अपना मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें वो नोट दे देते हैं कि आपको क्या क्या मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ से आपको डॉक्टर का एडवाइस मिल जाता है, ठीक है। ये इन संजीवनी क्या है, आपका टेली मेडिसिन के लिए होता है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है तभी इसमें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हम टास्क बार को कितनी जगहों पर लेकर जा सकते हैं। टू हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेज कैन वी टैक द टास्क बार। बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है।
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 4। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से ईमेल क्लाइंट किसका उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट एन एग्जाम्पल ऑफ, बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आउटलुक। स्टूडेंट जिस तरह हम ईमेल को यूज करते हैं ऐसे ही प्रोफेशनली वे में आउटलुक को यूज किया जाता है, ठीक। तो उसका आपका ईमेल का जो है वो आपका एग्जाम्पल है आउटलुक। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन था स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आईसी चिप का इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया था? इन विच ऑफ द फ्लोइंग जनरेशन आईसी चिप्स वेयर यूज, स्टूडेंट इसमें बताना है कि जो हमारे कंप्यूटर आते हैं जो जनरेशन्स आते हैं फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन, ठीक है, इस समय तो हमारा टेंथ जनरेशन तक आ चुका है। तो आपको बताना है कि जो आईसी जो चिप है वो किस जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, थर्ड जनरेशन में स्टूडेंट आईसी चिप का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट, बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होता है रडार। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का प्रथम टैब होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट टैब ऑफ द मेनू बार, बताना आपको। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फाइल। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से भारत में पासपोर्ट ऑफिस कितने हैं, बताना है आपको कि हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग पासपोर्ट ऑफिसेज आर देयर इन इंडिया। स्टूडेंट पासपोर्ट जो होता है वो ऑफिस कितने हैं इंडिया में आपको बताना है। पासपोर्ट जो सेवा है स्टूडेंट हम अदर कंट्री के लिए पासपोर्ट बनाया जाता है जो कि आप सभी को पता होगा। तो बताइए आप सभी कि पासपोर्ट जो ऑफिस है वो इंडिया में कितने हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 37 स्टूडेंट इंडिया में पोस्ट आपके जो है पासपोर्ट ऑफिस है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्यूआर कोड कब लॉन्च किया गया था? व्हेन अमंग द फ्लोइंग वाज क्यूआर कोड लॉन्च, तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए आप सभी बच्चे। जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से क्यूआर कोड कब लॉन्च किया गया था, भारत में क्यूआर कोड को लॉन्च कब किया गया था आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 1994 में स्टूडेंट क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूपीआई पिन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, बताना आपको कि जो यूपीआई का हम लोग पिन बनाते हैं स्टूडेंट हम कितने डिजिट्स का बनाते हैं, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 4 डिजिट का बनता है या 6 डिजिट का बनता है इसमें, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आप सभी बच्चों को आंसर देते चलना है जो है। तो आज के क्लास में आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इम्पैक्ट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट और कॉपी कमांड किस मेनू में मौजूद होता है, बताना आपको। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेनूज कट एंड कॉपी कमांड्स आर प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर एडिट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से A1 से A6 तक के सेल की एवरेज क्या होगी, बताना आपको। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फ्लोइंग सेल्स A1 टू A6, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया तो आप सभी का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है USSD और NEFT को बिना इंटरनेट के इस्तेमाल करना संभव है क्या? इज इट पॉसिबल टू यूज USSD एंड NEFT विदाउट इंटरनेट, बताना आपको इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, हैज एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है क्या? बताना आपको कि हैज इज अ वैलिड विल्ड कार्ड करेक्टर। बताइए कि इस क्वेश्चन का ट्रू हो गया या फॉल्स होगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका फॉल्स। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, एक निजी क्लाउड एक एकल व्यवसाय या संगठन द्वारा विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधनों को समर्पित करता है। ठीक है, अ प्राइवेट क्लाउड रेफर्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय अ सिंगल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, बताइए आप सभी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, बैंक में प्रत्येक खाताधारक शाखा के IFC समान होता है क्या? द IFC ऑफ एवरी अकाउंट होल्डर ब्रांच इन द बैंक इज द सेम। स्टूडेंट इसमें आपको बताना है कि जो बैंक होता है और बैंक में बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो अकाउंट को ओपन कराते हैं, तो क्या सभी का IFSC कोड सेम होता है? अगर सेम होता है तो आपका ट्रू हो जाएगा, अगर सेम नहीं होता है तो क्या होगा? फॉल्स होगा। बताइए आप सभी बच्चे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका ट्रू, क्योंकि सभी का जो IFSC कोड उस बैंक का होता है, उस ब्रांच का जो होता है, वो सेम होता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तब बढ़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, यदि आपके एप्लीकेशन को बड़ी मात्रा में डेटा हस्तांतरण की आवश्यकता होती है तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए सबसे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है। तो बताइए आप सभी कि इफ योर एप्लीकेशन रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर देन क्लाउड कंप्यूटिंग में नॉट बी द बेस्ट मॉडल फॉर यू। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स हो सकता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका फॉल्स। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स अगर बताया इस क्वेश्चन का तो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, USSD तथा NEFT को बिना इंटरनेट के प्रयोग करना संभव है क्या? बताना आपको। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका फॉल्स, संभव नहीं है स्टूडेंट, इसलिए आपका ये हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, मॉडिफायर कुंजियों के साथ माउस का उपयोग करना संभव है? इट इज़ पॉसिबल टू यूज द माउस विथ मॉडिफायर कीज। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका ट्रू, तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका, RTGS और NEFT भुगतान 24x7 कर सकते हैं क्या? मतलब 24 घंटे और 7 दिन क्या आप RTGS और NEFT का पेमेंट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आपका ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। RTGS और जो NEFT जो भुगतान है स्टूडेंट, हम पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इस मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आप ट्रू। ठीक है, क्योंकि हम RTGS और NEFT के मेथड से हम 24 आवर्स और 7 डेज हम कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, लिनक्स एक बहु उपयोगकर्ता संचालन प्रणाली नहीं है। लिनक्स इज नॉट अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बताना आपको इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 26 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास में आप पहली बार आएँ या चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कीजिए कि तिरपल से कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। और अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या आ रही है तो हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको वहाँ पे पूरी सहायता किया जाएगा स्टूडेंट। तो जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है तो आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम ऑल द स्टूडेंट। आई होप, मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको ये क्लास समझ में आया होगा और आपका सभी का उम्मीद है कि आप सभी ने अगर तैयारी अच्छे से किया होगा, आपने प्रैक्टिस क्लास अगर डेली किया होगा तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।